तस्दीक। मस्जिद उल हराम पर हमले की नापाक कोशिश नाकाम, सऊदी फोर्सेस का छापा, खातून समेत 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, 6 जायरीन और 5 अहलकार जख्मी। इराक के शहर मोसुल में बम धमाका, 12 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अमेरिका के खुसूसी एलजी बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ओहदा खत्म, लॉरेल मिलर को उनके ओहदे से हटा दिया गया, नई तायुनाती नहीं की जाएगी। जीआईटी का आखिरी राउंड शुरू, रहमान मलिक का बयान रिकॉर्ड, हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से दस्तावेजात पेश। वजीर आजम के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज पेश होंगे। बाबर अवान तहरीक इंसाफ के हो गए, सेनेटर के ओहदे से भी इस्तीफा देंगे। इमरान खान कहते हैं बाबर अवान से पहले उनके बेटे पीटीआई में शामिल हुए, फैसला पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा। जमशेद दस्ती रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार, जश्न सोग में बदल गया। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार की वजह न बताई, एमएनए को ईद जेल में गुजारना होगी। बलोचिस्तान असेंबली के रुकन मजीद खान अचजई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एमपी की गाड़ी से टक्कर से जीपीओ चौक पिशावर में ट्रैफिक सार्जेंट नताउल्ला जहां बहक हो गए थे। कराची के इलाके नाजमाबाद में रेंजर्स की कार्रवाई, पुराने कुएं में छुपाया गया असलहा बरामद। रेंजर्स के मुताबिक असलहा एमक्यूएम लंदन के शरपसंदों ने छुपाया। कराची के इलाके कायदाबाद में बस के एसी कंप्रेसर का सिलेंडर फट गया, 8 अफराद जख्मी, वाकई की तहकीकात शुरू। लाहौर के इलाके कायद आजम इंडस्ट्रियल एरिया से 9 मौलूद जुड़वा बच्चियों की लाशें बरामद, लाशों को कपड़े में लपेटकर गत्ते के डब्बे में बंद करके फेंका गया। ईद उल फितर करीब आते ही परदेशियों की वापसी में तेजी, लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। और चैंपियंस ट्रॉफी में फतह ने पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट के दरवाजे खोल दिए। रवा बरस लाहौर में पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 में 3 T20 मैचेस होंगे। आईसीसी ने भी हिमाचल